जब हम बात करते हैं लॉस ऑफ एनर्जी की, तो एनर्जी बेसिकली इन फॉर्म ऑफ हमारे पास दो टाइप में होगी, या तो काइनेटिक होगी या पोटेंशियल होगी। अगर जो है ना मूविंग पाइप है, समझ में आ रहा, तो दोनों ही प्रेशर पे ही होंगी। और जितना भी फ्लूइड के केस में एनर्जी की बात हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर ही होगी। मतलब पाइप के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है, कहीं स्लो स्पीड में कर रहा होगा और प्रेशर जो है कम होगा। अब जब प्रेशर ज्यादा होगा तो स्पीड भी ज्यादा होगी, तो ये चीजों को थोड़ा ध्यान रखना है। और जब भी कोई पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, तो रेजिस्टेंस होता ही होता है फ्लो को। जो फ्लो ऑफ लिक्विड है या फ्लो ऑफ फ्लूइड है, उसके फ्लो को रेजिस्टेंस ऑफर होता ही होता है, और कुछ एनर्जी लॉस होती ही होती है। इसी की हमें एनालिसिस करनी है अभी। एनालिसिस में आपके जो सिलेबस में है, वो ये डार्सी विस्बैक फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है आपके कोर्स में। इसके बाद इक्विवेलेंट लेंथ का डिस्कशन होगा और के फैक्टर का डिस्कशन होगा। तो जो बेसिक लॉस जो होता है हमारा, वो मेजर एनर्जी लॉसेस जो होते हैं, वो दो सॉरी एनर्जी लॉसेस दो तरीके के होते हैं, मेजर एक माइनर। मेजर जो है वो डार्सी विस्बैक फॉर्मूले में कवर है, और एक चजीज फॉर्मूला होता है, चजीज फॉर्मूला भी हम डिस्कस करेंगे। और जो माइनर लॉसेस है, उनमें माइनर एनर्जी लॉसेस जो कैलकुलेट होते हैं, मेजर लॉस फ्रिक्शन की वजह से होता है, माइनर लॉस सडन एक्सपेंशन की वजह से होता है, सडन कंट्रैक्शन की वजह से होता है, पाइप में बेंड है उसकी वजह से होता है, पाइप की फिटिंग जहाँ पे पाइप को जो है ना एक पाइप दूसरे पाइप से जोड़ रहा है, या टी सेक्शन है या एल्बो है, उस सेक्शन की वजह से, पाइप फिटिंग की वजह से होता है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन पाइप में आ जाता है, ब्लॉकेज आ जाता है, उस केसेस में माइनर लॉसेस होते हैं। ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि ये सारे केसेस में नहीं होते हैं। मैक्सिमम केसेस में स्ट्रेट पाइप ही यूज होते हैं, तो इसीलिए इसे माइनर एनर्जी लॉसेस बोला गया है। क्योंकि एक लेंथ होती है, उस लेंथ के बाद ही कहीं एक्सपेंशन होगा, कहीं कॉन्ट्रैक्शन होगा, मगर उस लेंथ के बीच में जो एरिया होगा पाइप का, वो यूनिफॉर्म होगा। इसीलिए इनको माइनर लॉसेस कहते हैं। ये किसी एक पॉइंट पे सडन एक्सपेंशन होगा, किसी एक पॉइंट पे सडन कॉन्ट्रैक्शन होगा, किसी एक पॉइंट पे बेंड होगा, किसी एक पॉइंट पे फिटिंग होगी, किसी एक पॉइंट पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, मगर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द पाइप उसका क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा। ठीक है। हेलो हेलो। यस सर, इसीलिए इनको माइनर लॉस कहते हैं। मेजर लॉस जो है वो ड्यू टू फ्रिक्शन ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी या लॉस ऑफ हेड या लॉस ऑफ प्रेशर या प्रेशर ड्रॉप, जैसा कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, क्योंकि कुछ चीजें सिलेबस में ऐसा लिखा हुआ है जो आपको बुकिश लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। जैसे आपके सिलेबस में लिखा है प्रेशर ड्रॉप इन अ पाइप, तो वो कुछ नहीं है, लॉस ऑफ एनर्जी और लॉस ऑफ हेड है इन अ पाइप है, ड्यू टू फ्रिक्शन। अब पढ़ रहा है, पहला है डार्सी विस्बैक फॉर्मूला, जो बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन के लिए। द लॉस ऑफ हेड इन द पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन इज कैलकुलेटेड बाय डार्सी विस्बैक इक्वेशन, व्हिच हैज बीन अर्लियर डिराइव्ड है, आपके में डेरिवेशन नहीं है। ये बेसिक फॉर्मूला है, एच एफ इक्वल्स टू 4 इंटू एफ। यहाँ पे एफ सफिक्स में है, इतनी चीज देख लीजिएगा, 4 इंटू एफ इंटू एल इंटू वी स्क्वायर अपॉन डी इंटू 2g। यहाँ पे एच एफ जो है वो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन है, यही है लॉस ऑफ हेड या प्रेशर ड्रॉप जिसे हमें निकालना है, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है। इसके आगे बढ़ते हैं, एफ जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। क्योंकि सिलेबस में आपके काफी चीजें कनेक्टेड नहीं है और दी नहीं हुई है, काफी चीजें फ्लूइड मैकेनिक्स की नहीं है, आपके में मिक्सचर है सिलेबस का, तो रेनॉल्ड्स नंबर आपको बता दे क्या होता है।
रेनॉल्ड्स नंबर बेसिकली डिफाइन करता है किसी भी जो है ना फ्लूइड के फ्लो को, किसी भी फ्लूइड के फ्लो को डिफाइन करता है। जैसे कोई एक पाइप है, पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो लिक्विड फ्लो तीन तरीके से करेगा। एक आपका लैमिनार फ्लो करेगा, लैमिनार मतलब एक स्ट्रेट फ्लो जो होता है बिना किसी डिस्टरबेंस के, उसे हम लैमिनार फ्लो कहते हैं, ठीक है। एक ट्रांजिएंट फ्लो होता है जिसमें हल्का फुल्का डिस्टरबेंस होता है, मतलब एक स्ट्रीम लाइन नहीं मिलेगी बल्कि हल्का फुल्का डिस्टरबेंस मिलेगा। इस फ्लो को हम लोग ट्रांजिएंट, TRANSIENT, ट्रांजिएंट फ्लो। आप लोग समझते जाइएगा, ये वीडियो बाद में हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, उस पर देख सकते हैं। इस फ्लो को हम ट्रांजिएंट फ्लो कहते हैं। और तीसरा जो फ्लो होता है उसे हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, टर्बुलेंस। टर्बुलेंस फ्लो में जब हमारा फ्लो कुछ इस तरह का हो, मतलब अनप्रेडिक्टेबल हो, टर्बुलेंट, उस फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। और इन तीनों फ्लो को डिटरमाइन करने के लिए जो नंबर होता है वो होता है रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। जब 2000 से, 0 से 2000 के बीच में वैल्यू हो रेनॉल्ड नंबर की, तो उस फ्लो को हम लोग लैमिनार फ्लो कहते हैं, मतलब एक स्ट्रीम लाइन में फ्लूड चल रहा है बिना किसी डिस्टरबेंस के। जब 2000 से शायद 5000, 8000 होता है, उस रेंज में जो फ्लो होता है उसे हम ट्रांजिएंट फ्लो कहते हैं। जैसा कि देखिए RE यहाँ पे लेस देन 2000 लिखा हुआ है विस्कस फ्लो के लिए। अगर लेस देन 2000 है तो ये लैमिनार है, 2000 से 4000 के बीच में है तो ये आपका है ट्रांजिएंट फ्लो, और 4000 के ऊपर है तो आपका ये हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। 4000 के जितना भी ऊपर चला जाए सब टर्बुलेंट होगा। सबको समझ में आ रहा है? हेलो। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज अ फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर एफ है, और एफ की वैल्यू 16/RE होगी अगर ये विस्कस फ्लो है, और 0.079/RE टू पावर 1/4 होगी जब हमारा ये टर्बुलेंट फ्लो होगा, ठीक है। ये इन्हीं ने लैमिनार और टर्बुलेंट के लिए वैल्यू दे रखी है। एल जो है, जो ऊपर फॉर्मूले में डार्सी वेयरस्ट्रैस फॉर्मूले में एल जो है वो लेंथ ऑफ पाइप है, वी वेलोसिटी है, डी उसका डायमीटर, और जी ग्रेविटी है, बाकी सब सेम है, ठीक है। वी मीन वेलोसिटी ऑफ द फ्लो है। दूसरा फॉर्मूला जो आता है वो चेज़ीज फॉर्मूला है हेड लॉस का, फ्रिक्शन की वजह से। दो फॉर्मूलेज हैं, एक डार्सी वेयरस्ट्रैस और दूसरा है चेज़ी। चेज़ी फॉर्मूले में हमारा ये फॉर्मूला दिया गया है जिसमें एच एफ इक्वल्स टू एफ डैश अपॉन रो जी इंटू पी अपॉन ए इंटू एल इंटू वी स्क्वायर। इसमें देखेंगे मैक्सिमम चीजें एफ एल वी स्क्वायर ऊपर कॉमन ही है दोनों फॉर्मूलेज में, ठीक है। और एल वही है, लेंथ है आपकी, वी स्क्वायर आपका जो है वी जो है मीन वेलोसिटी है, और ए अपॉन पी जो रेशियो है, ये पी अपॉन ए लिखा हुआ है, ए अपॉन पी है एरिया ऑफ फ्लो जिस एरिया से जा रहा है, और पेरीमीटर, पेरीमीटर जो पाइप का होगा, इज द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस एंड इट इज डिनोटेड बाय एम। ये इसको पी अपॉन ए को 1/m से भी डिनोट करते हैं। ये आपके फॉर्मूले हैं दोनों। फाइनली जो चेज़ीज़ फॉर्मूला आएगा वो आपका ये आएगा, यहाँ से देख लेंगे आप लोग एफ डैश अपॉन रेसिप्रोकल वेलोसिटी की वैल्यू निकाली, वो तो बाद में देखेंगे। आपका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, एफ डैश अपॉन रो जी इंटू एल इंटू वी स्क्वायर इंटू 1/m। 1/m क्यों है? क्योंकि वहां पे ए अपॉन पी की वैल्यू दी हुई है, ऊपर दिया है पी अपॉन। ये है चेज़ीज़ फॉर्मूला जिससे आप हेड लॉस निकालेंगे किसी भी फॉर्मूले, किसी भी पाइप में। अगर आपको दिया हो न्यूमेरिकल में कि आपको
चंगेज़ फॉर्मूले से ही निकालना है, मगर आपके में डार्सी बस बाकी है। न्यूमेरिकल एक देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सर जी बताइए क्या। ये जो इक्वेशंस हैं वो डिराइव करने के लिए आएंगे? नहीं डेरिवेशन नहीं है आपके में। ओके सर। फॉर्मूला है, फॉर्मूला के बाद सीधे न्यूमेरिकल है। पहला न्यूमेरिकल है फाइंड द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन अ पाइप ऑफ डायमीटर 300 mm एंड अ लेंथ ऑफ 50 मीटर थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 3 m/s। अब इन्हीं में इसमें दोनों फॉर्मूले के थ्रू बोला है, डार्सी फॉर्मूला और चजी फॉर्मूला फॉर विच सी इक्वल्स टू 60। आप सिर्फ डार्सी से ही करेंगे क्योंकि तो आपके जो सिलेबस में है वो डार्सी फॉर्मूला ही है, जहाँ तक कि मैंने बड़ी डीप में जाके देखा है वो डार्सी है। तो आपके में इसमें दिखाया गया है कि जो डायमीटर है पाइप का वो है 300 mm, जो लेंथ है पाइप की वो है 50 mm, वेलोसिटी ऑफ फ्लो आपका दिया हुआ है, मीन वेलोसिटी जो दी हुई है वो 3 m/s दी हुई है, और आपका इसमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी दी हुई है वाटर की 0.01 स्टोक, या इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको हमने स्टार्टिंग में सब यूनिट कन्वर्जन बताया भी था, आप लोग को नोट्स दिए हैं एक बार उसमें देख लीजिएगा। स्टोक को जब आप बेसिकली होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड ही होता है, आप उसको मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.01 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। हमारा जो फॉर्मूला है वो रेनॉल्ड्स नंबर का, इसको भी याद कर लिएगा क्योंकि आपको एफ की वैल्यू देखनी होगी। एफ की वैल्यू रखने के लिए आपको एफ की वैल्यू कैसे, अभी आपने ऊपर देखा था दो फॉर्मूले थे, जब आपका जब 2000 से कम वैल्यू थी तो उसके लिए 16/RE थी आपकी एफ की वैल्यू, और जब आपकी 4000 से ऊपर वैल्यू थी, 4000 से 10⁻⁶ तक की वैल्यू थी, तब आपकी एफ की वैल्यू 0.079/RE⁴ थी। पहले आप रेनॉल्ड्स नंबर निकालें। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है V×D/ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, वेलोसिटी इनटू डायमीटर अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो वेलोसिटी आपकी 3 दी हुई है, डायमीटर आपका 300 mm या 0.3 m दिया हुआ है, सबको आपने एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, और नीचे आपने काइनेमेटिक विस्कोसिटी रखी, तो उससे आपकी रेनॉल्ड्स नंबर आया 9×10⁵, जो कि 4000 से बड़ा है और 10⁻⁶ से छोटा है। देयरफॉर आप यूज करेंगे एफ के लिए फॉर्मूला ये 0.079/RE⁴। आप इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो एफ की वैल्यू आपकी आएगी 0.00256। अब आपके पास एफ की वैल्यू है, एल की वैल्यू है, लेंथ दी हुई है, वी वेलोसिटी भी आपको पता है, डायमीटर भी पता है, जी भी पता है, तो आप सीधे सीधे सारी वैल्यूज रख के आप तो फाइनली जो हेड लॉस हुआ है हमारा ड्यू टू फ्रिक्शन वो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? हेलो नो सर। इसमें मार्क कर लीजिएगा रेनॉल्ड्स नंबर का जो फॉर्मूला है, क्योंकि आपके सिलेबस में काफी सारी चीजें हैं नहीं, जैसे यही रेनॉल्ड्स नंबर नहीं है, तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला ही सिर्फ आप याद कर लीजिएगा। रेनॉल्ड्स नंबर अभी मैंने बता भी दिया था कि 3 टाइप के फ्लो होते हैं, लैमिनार, ट्रांजिएंट और टर्बुलेंट, उन्हीं के बेसिस पे रेनॉल्ड्स नंबर डिसाइड होता है। जब 2000 से कम होता है तो आपका लैमिनार होता है, 2 से 4000 होता है तो ट्रांजिएंट होता है, 4000 से ऊपर होता है तो आपका कौन सा फ्लो होता है, टर्बुलेंट। हाँ टर्बुलेंट फ्लो होता है, ठीक है। तो ये 3 तरह के फ्लो हैं जिसके बेसिस पे रेनॉल्ड्स नंबर होता है। तो यहीं से हम रेनॉल्ड्स नंबर का जो फॉर्मूला है V×D/ν, उसमें हम रख के हम रेनॉल्ड्स नंबर निकालेंगे,
एफ की वैल्यू उसी के बेसिस पे, उसी के आधार पे डिसाइड होती है। तो जब एफ की वैल्यू डिसाइड हो जाएगी तो फाइनली हम एफ की वैल्यू रख देंगे और हम लोग आंसर निकाल लेंगे। चलिए फॉर्मूला आपके कोर्स में नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं इसकी। क्रूड ऑयल ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ 0.4 स्ट्रोक इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 300 mm एट अ रेट ऑफ 300 लीटर पर सेकेंड। अब इसमें रेट ऑफ फ्लो दिया हुआ है, रेट ठीक है, मतलब फ्लो रेट दिया हुआ है, मतलब डिस्चार्ज कितना पाइप से फ्लूइड या क्रूड ऑयल फ्लो कर रहा है पर सेकेंड, मतलब ये आपको डिस्चार्ज दिया। इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं क्यू, क्यू इक्वल्स टू ए इंटू वी, हमने बताया था ना, याद है सबको? डिस्चार्ज इक्वल्स टू, और डिस्चार्ज सेम होता है सारे पोर्शन में किसी पाइप में, बस डिपेंड करता है एरिया और वेलोसिटी पे। ए वन वी वन इक्वल्स टू ए टू वी टू, हमने बताया था, याद हो अगर याद है Q equals to A into V, ये discharge होता है। तो यहाँ पे आपको 300 लीटर पर सेकंड दिया हुआ है। Find the total head loss due to friction for a length of 50 meter of the pipe. Length of pipe दिए 50 meter. तो आप पहले जो जितनी भी चीजें गिवन होती हैं क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू दी हुई है, आप उसमें आप लिख लिया आपने 0.4 स्ट्रोक, या आपने उसको मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके आपने 0.4 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड कर लिया। डायमीटर ऑफ पाइप आपका दिया है 300 mm, उसको आपने लिख लिया 0.3 मीटर। रेट दिया है क्यू डिस्चार्ज, तो क्यू इक्वल्स टू 300 लीटर पर सेकेंड, लीटर पर सेकेंड को आपको मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, लीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट कैसे करते हैं ये समझ लीजिए। आपको पता है एक लीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं? बताइए। 1000 होते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो एक लीटर में 1000 cc होते हैं, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? और मारा है? यस सर। तो आप यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ पे सीधे सीधे यही लिखेंगे यहाँ पे कि 300 इंटू 1000। अब ये जो वैल्यू आई हम वो दिखाना चाह रहे हैं कैसे आई है। ये तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हो गया, लीटर को हमने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर क्यूब में, अब हमें इसको मीटर क्यूब में करना है। तो एक सेंटीमीटर में, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। हाँ, तो इसको फिर हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि मीटर क्यूब है मतलब 3 times है, 100 × 100 × 100, समझ में आ रहा है? ठीक है, एक दो तीन, एक दो तीन, फिर एक 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 और एक, मतलब 3/10 बचा, मतलब 0.3, ठीक है। Therefore it is coming 0.3 meter cube per second, ठीक है, ठीक है। Yes sir। तो ये आपका डिस्चार्ज आ गया 0.3 मीटर क्यूब पर सेकंड, ये ऐसा यूनिट में आपने कन्वर्ट कर लिया। लेंथ दी हुई है 50 मीटर। तो सबसे पहले, क्योंकि इसमें वेलोसिटी नहीं दी हुई है, आपके जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे वो आपका रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला हो, चाहे वो आपका हेड लॉस का फॉर्मूला हो, एच एफ एल वी स्क्वायर अपॉन जो है आपका फॉर्मूला, उसमें भी वी चाहिए, आपको वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको डिस्चार्ज दिया हुआ है, डिस्चार्ज क्यू अपॉन एरिया, एरिया आपको क्योंकि डायमीटर दिया है π/4 d², उससे आप वेलोसिटी ऑफ द पाइप निकाल लेंगे, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड, ये क्रूड ऑयल के वेलोसिटी का फ्लो है। आपने इसको फिर रेनॉल्ड नंबर में रखा, रेनॉल्ड नंबर से आपकी जो वी इंटू डी अपॉन न्यू से वैल्यू आई वो आई
3.18 into 10 power 4, और ये भी आपकी 4000 4000 से बड़ी है और 10 to power 16 से छोटी है, therefore ये 10 to power 6 से छोटी है, इसलिए ये आपका जो फॉर्मूला यूज होगा f का वो होगा 0.079 अपॉन re टू पावर 1/4। जब आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो f की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.00591। इसको फिर आप वापस हेड लॉस के फॉर्मूले में रखेंगे, 4FLV² / 2GD में रखेंगे, तो आपकी फाइनली जो हेड लॉस इन पाइप होगा वो आ जाएगा। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है जो आगे होंगे वो भी हम आपको भेज देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगली चीज की, जो इक्विवेलेंट लेंथ है। कहीं कहीं पे आपका इक्विवेलेंट लेंथ ये आपका दिया रहता है, तो कुछ माइनर लॉस डिटरमिनेशन भी होते हैं मेजर के साथ साथ। यही जब हम डार्सी विज़बैक फॉर्मूले में कंसीडर करेंगे इन माइनर लॉसेस को भी, फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो ही रहा है मगर कुछ और भी चीजें हैं जिनकी वजह से लॉस हो रहा है, तो उनको भी अगर कंसीडर करते हैं तो वो जो है हम वहां पे उनको माइनर लॉस के अंदर कंसीडर करके विज़बैक फॉर्मूले के अंदर ले आते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया था पाइप साइजिंग एक्सरसाइज आर द इक्विवेलेंट लेंथ LE अपॉन D, LE जो है वो आपकी इक्विवेलेंट लेंथ है, रेजिस्टेंस कोफिशिएंट बेसिकली जो K फैक्टर होता है जो आपके सिलेबस में दिया है वो उसको रेजिस्टेंस कोफिशिएंट भी कहते हैं। ये माइनर लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए चीजें हैं, तो वैल फ्लो कोफिशिएंट और CV आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसको हमने वेंचुरी मीटर में पढ़ाया था, कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन, वो तो सीसी था, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी था सीसी। आगे बढ़ते द इक्विवेलेंट लेंथ मेथड, पहला जो मेथड है वो अब हमारा इक्विवेलेंट लेंथ मेथड है जिसको हम कंसीडर करेंगे डार्सी विज़बैक। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन दैट द मेजर लॉसेस आर आल्सो प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी हेड, जो आपके वेलोसिटी हेड है वो मेजर लॉसेस के प्रोपोर्शनल। The LE upon D method simply increases the multiplying factor of in equation one, मतलब जो हमारी जो डार्सी विज़बैक equation थी, by a length of straight pipe LE, मतलब इसी में हम multiply करेंगे factor LE, which would give rise to pressure drop equivalent to the loss in the fitting, hence the name equivalent length. इसीलिए इसका नाम इक्विवेलेंट लेंथ है क्योंकि ये एक ड्रॉप प्रोड्यूस करेगा प्रेशर में इक्विवेलेंट टू द लॉसेस इन द फिटिंग, जितने भी फिटिंग है उनमें जो लॉसेस है। अभी हमने माइनर लॉसेस को देखा था आपके इस वाली पीडीएफ में, तो आपने देखा था माइनर लॉसेस जो हो रहे थे वो ड्यू टू आपके सडन एक्सपेंशन, सडन कॉन्ट्रैक्शन, बेंड पाइप फिटिंग, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहे थे। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जो लॉसेज इन फिटिंग है इक्विवेलेंट टू द लॉसेज इन फिटिंग, उस लेंथ के अलोंग जितनी फिटिंग होगी उसमें जो लॉसेज हो रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा आपको? हेलो हेलो सर, लॉसेस इन द फिटिंग का मतलब क्या है? देखिए अब होता क्या है, लंबे लॉन्ग लेंथ के पाइप तो इतने इतने बनते नहीं है, मान ली जैसे हमें चाहिए है तो 10-10 मीटर लेंथ के पाइप मिलेंगे, 20-20 मीटर के लेंथ के पाइप मिलेंगे, मगर जब डायमीटर ज्यादा बढ़ता है, छोटे डायमीटर में तो चल जाता है, मगर जब डायमीटर ज्यादा बनता है तब तो और ज्यादा लेंथ के पाइप बन सकते हैं, मगर जब हमारा डायमीटर छोटा होता है पाइप का तो उसमें लेंथ ज्यादा नहीं होती है, क्यों? उसमें बेंडिंग का जो है ना प्रोविजन आ जाता है, पाइप बेंड कर जाएंगे, ज्यादा लेंथ होगी तो पाइप बेंड कर जाएंगे, इसीलिए छोटी लेंथ होती है। तो दो पाइप को जोड़ने के लिए बीच में फिटिंग लगाई जाती है कि नहीं लगाई जाती है? लगाई जाती है ना, तो उसमें फ्लो के टाइम जब वाटर टकराएगा तो कुछ लॉस होगा ना, तो वो माइनर लॉस में आता है, पाइप फिटिंग है या पाइप कहीं से और हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है लिक्विड का, तो उसमें क्या करते हैं हम
टी एल्बो या फोर साइड एल्बो लगा देते हैं, जिसमें वाटर इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। हेलो हेलो, यस सर, समझ में आ रहा है? तो ये सब फिटिंग्स होती हैं। जैसे मान लो कोई पाइप स्ट्रेट जा रहा है, अब हमें फ्लो इस तरफ चाहिए, तो हम एल्बो लगा देते हैं उस पाइप को मोड़ने के लिए। देखा होगा आप लोगों ने, कुछ इस तरीके की बाहर से दिखती है, यस सर, देख दिस इज एल्बो। तो हम ये लगा देते हैं ताकि हम पाइप के फ्लो को टर्न कर सकें। तो ये यहाँ पे, क्योंकि देख रहे हो वाटर आके इस वॉल पे टकराएगा, फिर इधर मुड़ेगा, तो वेलोसिटी लॉस होगा कि नहीं होगा? तो प्रेशर, यस और सर, तो आपका प्रेशर या हेड लॉस भी होगा। तो इन्हीं सबको माइनर लॉसेस बता रहा है। समझ में आ गया? यस सर, तो यही, अब आपको पता है इसी इक्विवेलेंट लेंथ में आपके कुछ जगह पे, सब जगह पे नहीं, कुछ जगह पे आपके फिटिंग्स होंगी। वही लॉस को आपने FL×V² करते हैं ना, तो L के साथ आप एक LE भी जोड़ देंगे, ठीक है? दिस इज द इक्विवेलेंट लेंथ। समझ में आ रहा आपको? जो हमने डार्सी विस्बैक में माइनर लॉसेस को कंसीडर नहीं किया था, निग्लेक्ट किया था, उसको अब कंसीडर कर रहे हैं। उसमें हमने LE जो है इक्विवेलेंट लेंथ मान ली है, जिसमें हमारे फिटिंग में लॉसेस हो रहे हैं, ठीक? सर जो यस एल है यहाँ पे वो उसका सर। पाइप L का तो लेंथ ओरिजिनल है, है। L तो लेंथ है पाइप की, वो फुल लेंथ है, ठीक है? जैसा कि न्यूमेरिकल में इससे पहले देखा था, 50 मीटर लेंथ, 30 मीटर लेंथ। LE जो है वो लेंथ है जो आपकी जो है ना, ये जहाँ पे फिटिंग है और ये सब है, उसकी वजह से जो लेंथ है वो है, ठीक है? हेलो, यस सर, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपके दिया रहेगा, ये एक टेबल दी है कि LE अपॉन D का रेशियो जो है वो कैसे निकालते हैं। गेट वाल्व लगा है, फुल ओपन, तो उसमें LE अपॉन D का जो रेशियो दिया है वो 8 है। गेट वाल्व वो होता है कि जिससे हम लोग फ्लो को रोकते हैं और खोलते हैं, ठीक है? मतलब फ्लो ऑफ फ्लूइड को रोकते हैं और खोलते हैं। बॉल वाल्व भी फुल बोर पे है, मतलब सर पूरा, इसको यहाँ से देखना पड़ेगा यहाँ से देखना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है? ये क्योंकि सब दिया रहेगा। ये देखो 90 डिग्री स्क्रूड एल्बो, मतलब 90 डिग्री पे टर्न कर रहे हैं पाइप को, 90 डिग्री लॉन्ग रेडियस बेंड। ये स्क्रूड एल्बो है, ये रेडियस बेंड है, मतलब कर्व्ड बेंड है। 45 डिग्री एल्बो, 45 डिग्री पे पानी को मोड़ रहे हैं। तो सबके लिए वैल्यूज दी हुई है LE अपॉन D की, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला जो बेसिक आता है वो हमारा वो ये होता है, देखो V² / 2G तो आपका कांस्टेंट है, वो बदलेगा नहीं। मेजर जो चेंज आएगा वो काहे में आएगा, L/D + summation of LE/D। भाई अभी हमने कहा था L+LE/D था, टोटल था, मगर एक से ज्यादा फिटिंग होगी तो आप क्या करेंगे, summation of LE/D, ठीक है? जल्दी जल्दी समझिए, ये खत्म हो रहा है टाइम इसका, मीटिंग का। तो ये है आपका फॉर्मूला HL, या हेड लॉस इक्वल्स टू FL/D + LE/D का समेशन होल मल्टीप्लाइड बाय V² / 2G, जहाँ पे LE जो है वो इक्विवेलेंट लेंथ है। यही डार्सी विस्बैक के इक्वेशन में मीनिंग लग दिया है। और ये LE/D जो है वही आपका K फैक्टर है, ठीक है? ये देखिए द रेजिस्टेंस कोफिशिएंट या K फैक्टर जो होता है वो आपका, ये आपका LE/D के बराबर ही होता है, ठीक है? यही चीज आपको पढ़ानी थी आज। थैंक यू।